आज हम आपको कवि नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है की एक व्याख्या बताएंगे। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ू में नब चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये मधुर सरस काव्य पंक्तियां जनवादी कवि जनकवि नागार्जुन की प्रकृति वर्णन संबंधी कविता बादल को घिरते देखा है से उद्धृत है। इनमें बादल के आंधी से भिड़ने का वर्णन किया गया है। दूत बनकर गए मेघ की चिंता मत करो, उसे भूल जाओ। कवि नागार्जुन कहते हैं कि वह मेघ कवि की कल्पना था। कवि नागार्जुन कहते हैं कि मैंने तो भयानक जाड़ों में आकाश में चूमने वाले अर्थात बहुत ऊंचे कैलाश शिखर विशाल मेघ को आंधी की वायु से गरज गरज कर टकराते हुए देखा है। मैंने हिमालय पर्वत पर बादल को घिरते देखा है। इसमें विशेष बात यह है कि कालिदास द्वारा कल्पित बादल तो नहीं मिलता, पर जाड़े की ऋतु में भी आंधी से भिड़ने वाले बादल देखे जाते हैं। अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें दृष्टव्य है।